खबर बालाघाट खैरलान जी से। शक्ति केंद्र चिखला बांध के अंतर्गत साले बड्डी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के संबंध में बीजेपी ने बैठक बुलाई, जिसमें कटोरी मंडल के सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। कटंगी खैरलान जी से सुप्रीम पावर न्यूज के लिए धरेंद्र सोनगड्डे की रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय डॉक्टर पुष्पेंद्र देशमुख, जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ बालाघाट। यह जो बैठक है मोदी जी का 100वां एपिसोड था मन की बात। जनरली मन की बात जो है, हम बोलते हैं मन की बात, लेकिन जनता के बीच से जो बातें आती है वो मोदी जी अपने मन में ग्रहण करते हैं और उस पर प्रयोग करते हैं। जैसे कि तात्कालिक उदाहरण है आपका धारा 370 कश्मीर वाला, उसके बाद 3 तलाक, ये जो मन की बात निकल करके जो उभर करके सामने आती है और उस पर मोदी जी अमल करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, उसका अंजामा पहनाते हैं और निश्चित है कि देश को एक अच्छा मार्ग मिलता है और देश प्रगति कर रहा है, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। 30 अप्रैल जो मोदी जी की मन की बात हर रविवार को महीने के लास्ट में चलती है, उसका 100वां एपिसोड था। हम सब कार्यकर्ता आज इसीलिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे कि मोदी जी की मन की बात के 100वें एपिसोड को हम लोग सुने और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग जो हमारा बूथ सशक्तिकरण का काम चल रहा है पूरे प्रदेश में, उसको लेकर भी यहाँ बैठक आहूत की गई थी, ताकि प्रत्येक बूथ पर हमारी पन्ना समिति और बूथ समिति का जो काम चल रहा है, जो डिजिटलाइजेशन संगठन ऐप के माध्यम से हो रहा है, हम उसको और भी गति देने के उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ पर बैठे। जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आगामी नवंबर दिसंबर में आने वाले, इस संबंध अपना परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र भैरम, भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री हूँ और इस विधानसभा का प्रभारी हूँ। जी, को मन की बात में सुना, उसके पश्चात हम सब लोगों यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ प्रबंधन का काम चल रहा है, इस काम को लेकर के हमारे कटोरी मंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं। आज पूरे देश के अंदर मोदी जी की मन की बात के प्रति एक जो उत्साह और एक सकारात्मक, मोदी जी ने जिस तरह से पहल की है, गांव, गरीब, किसान और छोटे छोटे लोगों के कुटीर उद्योग, छोटे उद्योगों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने, और ऐसी कई चीज़ें जो लोकल फॉर वोकल का जो नारा उन्होंने दिया मन की बात के माध्यम से, और ऐसी कई चीज़ें जो दुनिया के सामने ग्लोबल बनाया, गांव की चीज़ों को देश के सामने रखा, देश के लोगों के सामने, ऐसे अनेकों छोटे छोटे उदाहरण, चाहे वो स्वच्छता से संबंधित हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो या जल संरक्षण से संबंधित हो, ऐसे अनेकों प्रयोग मोदी जी ने मन के माध्यम बात के माध्यम से रखा और आज वो एक मिसाल कार्यक्रम बना है मन की बात, और जिसके कारण एक आमूलचूल परिवर्तन देश के लोगों में हुआ है।